हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप गूगल स्कॉलर का यूज़ करके आप किस तरह से जर्नल्स को, आर्टिकल्स को, एकेडमिक बुक्स को, टेक्निकल रिपोर्ट्स को, कॉन्फ्रेंस पेपर्स को किस तरह से आप सर्च कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि गूगल स्कॉलर है क्या। सो गूगल स्कॉलर एक तरह का मैसिव डाटाबेस है स्कॉलरी लिटरेचर का, जो कि 2000 फॉर्म में एस्टैब्लिश हुआ था। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग किसी भी पब्लिकेशन के या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑथर के हम लोग आर्टिकल्स को सर्च कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो जब आप गूगल पे सर्च करते हो और जब आप गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गूगल स्कॉलर के बारे में जानते हैं कि गूगल स्कॉलर क्या है और किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल स्कॉलर को आप इस तरह से लिख सकते हो, गूगल स्कॉलर, या फिर आप लिंक भी यूज कर सकते हो, scholar.google.com। सो आपके पास इस तरह से कुछ पेज ओपन होगा। सो यहाँ पे आपको गूगल स्कॉलर पे जाना है, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। सो साइन इन करने के बाद आपको दोबारा यहीं पे आना है गूगल स्कॉलर के सर्च बार पे। यहाँ पे आपको जो भी आपने सर्च करना है वो सर्च बार में आपको लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ चैलेंजेस फेस्ड बाय 3M कंपनी ड्यूरिंग रिसेशन, तो मैं यहाँ पे इसको यहां से कॉपी कर लूंगी CTRL+C। ठीक है, मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया और एक न्यू टैब में खोल लूंगी और यहाँ पे मैं सर्च करूंगी यही सेम थिंग। तो मैं आपको डिफरेंस बता सकूं कि जब आप गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हो और जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो क्या डिफरेंस है। सो जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे इस तरह से रिजल्ट मिले। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हो तो आपको कितना डिफरेंस मिलता है। सो ये है मेरा, जब मैंने गूगल स्कॉलर पे सर्च किया तो यहाँ पे आपके पास ईयर्स भी मेंशन होते हैं कि अगर आप यहाँ पे रेंज डालना चाहते हो कि आपको कौन से ईयर से कौन से ईयर तक का चाहिए रिजल्ट। जैसे कि मुझे चैलेंजेस फेस्ड बाय 3M कंपनी ड्यूरिंग दिस सेशन, तो मुझे 2001 से 2008 तक का चाहिए। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कस्टम रेंज पे क्लिक करोगे। तो मैं यहाँ पे कस्टम रेंज में डाल रही हूँ 2001 से लेके चाहिए मुझे 2008 तक का, और फिर मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगी। सो जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि 2001 से लेकर 2008 तक जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स विजिबल हो रहे हैं। सो अगर यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा है कि यहाँ पे आपको PDF अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे PDF पे क्लिक कर सकते हो, आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगा। जैसे कि मुझे ये वाले आर्टिकल का PDF चाहिए तो मैं यहाँ पे PDF पे क्लिक करूंगी। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा जो PDF है वो डाउनलोड हो चुका है। सो यहाँ पे जो भी आपके डाउनलोड्स होते हैं वहां पे ये PDF आ जाएगा। तो इस तरह से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते। सो यहाँ पे और आपके पास ऑप्शंस भी आते हैं कि ये जो डाटा है ये सॉर्ट बाय डेट है, ये सॉर्ट बाय रेलेवेंस है। तो अगर आप सॉर्ट बाय डेट चाहते हो तो सॉर्ट बाय डेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सॉर्ट बाय रेलेवेंस भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास क्रिएट अलर्ट का। तो क्रिएट अलर्ट में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पे क्या है कि अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने यहाँ पे सर्च किया है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि उसका एक PDF जो है आपके
आपकी ईमेल आईडी पे आए, या फिर अगर आगे जाके कोई भी इस टॉपिक पे आर्टिकल डाले तो आपको वो अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे अलर्ट क्वेरी है, ठीक है, जो भी आपने डाला है, जो भी टॉपिक डाला है, उसके बाद आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी है। सो यहाँ पे आ रहा है शो अप टू 10 रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप 10 रिजल्ट्स एक बारी में देखना चाहते हो या 20 रिजल्ट्स देखना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये शो अप टू 10 रिजल्ट्स पे सेट होता है। सो यहाँ पे आप क्रिएट अलर्ट पे क्लिक कर सकते हो। सो आपके पास इस तरह से फिर पेज ओपन होगा कि जो भी अगर कोई भी इस टॉपिक पे आर्टिकल डालता है तो आपको अलर्ट मिल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, जो भी आपने ईमेल आईडी डाली है या फिर जिस भी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन करा है। सो इस तरह से आप इजीली किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ जो लिंक्स हमारे पास यहाँ पे आए हैं उसके पीडीएफ अवेलेबल हैं और कुछ लिंक्स के पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। जैसे कि ये जो लिंक है उसका पीडीएफ अवेलेबल है, ये जो ऊपर लिंक दिए गए हैं ये दो लिंक हैं, इनके पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए बिकॉज कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कुछ गूगल स्कॉलर पे इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसके लिए आपको मेंबरशिप की जरूरत है, जिसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी होगी, कुछ पैसे देने होंगे, कुछ मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ डाटा ऐसा है जो कि आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि किसने वो आर्टिकल डाला है, तो उन्होंने मेंबरशिप डाली होगी या फिर आप फ्री में आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको पीडीएफ मिल रहा है तो आप इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सिंपली इस पे क्लिक करके, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपको इसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे अलग अलग पेजेस में देख सकते हो। जैसे कि एक बारी में आपके पास 10 पेजेस अवेलेबल होंगे। और जैसे कि अभी हमने देखा कि हम शो अप टू 20 रिजल्ट्स भी कर सकते हैं, कि हम देख भी सकते हैं कि मतलब उसको 20 रिजल्ट्स पे भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफॉल्ट में 10 रिजल्ट्स पे सेट होता है। तो आप यहाँ से अपनी किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस दिस इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं अपनी ईमेल आईडी और अपने इंस्टाग्राम की आईडी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हो अपनी कोई भी क्वेरी। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो मेक श्योर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करें। और गूगल स्कॉलर बहुत ही एक अच्छी साइट है जहां पे आप अपनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो भी कीवर्ड्स होते हैं ना उससे काफी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कंपेयर टू जब आप गूगल पे सर्च करते हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।